काले भूखी रह गई तो रात को किचन टटोलेगी है। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, मजा आ गया तेरी टी पार्टी में। चाय पार्टी नहीं जी, डिनर पार्टी। हाँ वही डिनर पार्टी है। लेकिन एक बात बता कि पार्टी है किस खुशी में? ओ जी आज हमारी शादी की हैप्पी बर्थडे है। शादी की हैप्पी बर्थडे? आज ही तो हमारा विवाह हुआ था। दादाजी भुलक्कड़पन में आप पापा से भी बढ़कर निकले। ओहो मान गए हैं? बड़ी पुरानी बातें याद रहती है तुझे है? पुराने होंगे आप, मैंने तो आज भी मेहंदी की वो ताज़ी ताज़ी खुशबू याद है। ओए तो आज भी तू नई नवेली दुल्हन जैसी ही तो लगती है। अच्छा छोड़ो, मौका देते हो ना जगह हो जाते हो शुरू। भाई मुझे तो आज भी वो दिन याद है जब मैं तुझे कोड़ी में बैठ कर लेने आया था और उतरते समय उलट के गिर गए थे। आप पापा की तरह भुलक्कड़ ही नहीं अनाड़ी भी हो, आपकी शादी क्या इतनी शॉकिंग थी? ओए बड़ी चोट लगी थी। खैर शादी के बाद हम घूमने भी तो गए थे है ना? और छह पुत्र? वो तो जी 9 महीने 6 दिन बाद आया था, अभी तो हम हनीमून मना रहे थे। वो भाड़ में गया तेरा मून, देख अपना सन सन। ये रोमांस में सन कहाँ से आ गया? ओ यू मीन पापा। हाय रब्बा, ये तो बहू से कह के गया था किसी मीटिंग में जाना है। तू इधर ही बैठ, मैं देखता हूँ इसकी मीटिंग। मुझे क्या कर रहे हो, घर पे पूछ लेना। घर पे तो मारूंगा मैं जूते, अभी मैं सुन कर आता हूँ इसकी मीटिंग। जानती हो नीलम, मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए, रहम खाकर मामू ने मुझे सहारा दिया, मगर मेरी मामी ने मुझसे गधे की तरह काम करवाया। जानती हो नीलम, मुझे सिर्फ एक वक्त का खाना देती थी, वो भी अपने बच्चों का झूठा। Oh my poor little donkey. लेकिन जय, आप तो तुम अच्छी पोजीशन में हो और काफी हैंडसम भी है। Really? और नहीं तो क्या, तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल सकती है, शादी करके घर क्यों नहीं बसाते? शादी? मुझ बदनसीब से कौन करेगा शादी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? I can't believe this. मैं तो कब से सर आप क्या कर रहे हैं? वो गधा जी कुछ नहीं, झक मार रहा हूँ, हटना भी है गधा। मेरी शादी की फिक्र छोड़ के अपनी शादी कर रहे हो? अरे आप लोग सोए नहीं अब तक? कब तक इंतजार करेंगे जय का? माँ जी आजकल वो बहुत देर से आता है, बहुत काम है ऑफिस में। मैं खाने जा रही हूँ। हाँ बहू तो खा ले। जय। हेलो एवरीबॉडी, मैं तो सीधे जा रहा हूँ सोने। लेकिन खाना? अमृता मुझे भूख नहीं है, मैं थका हुआ हूँ, आई हैव अ वेरी बिजी डे, समझा करो यार। गुड नाइट। देखा तूने अपने लाडले को कितनी सफाई से झूठ बोल गया। मुझे तो लगता है कि हमें बहू रानी को सब कुछ बतला देना चाहिए। अजय मत मारी गई है आपकी, बहू को पता चलेगा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हमें अपने पुत्र का घर बचाना है, तबाह नहीं करना है। वाह दादी, आप तो समझदारी की बातें करने लगी हो। बात तो तू सही कह रही है। अच्छा एक बात बता, अगर मैं किसी सुंदर लड़की के साथ एक मोमबत्ती सी जलाकर गधा बनकर बैठ जाऊं? हाय रब्बा, गधा? नहीं नहीं गधा नहीं, मेरा मतलब है वो सब मून मून करने लगूं तो तू क्या करेगी? है हौसला सुनने का? बता। पहले तो आपका मून ऊंचूंगी, फिर जूतियों से आपके सर पे बारिश करूंगी और फिर उस डैन का कत्ल कर दूंगी। बस बस। दादी आप तो मम्मी से भी आगे निकली, बेचारे दादाजी। कोई बड़ी बात नहीं है, तू तो बड़ी खौफनाक औरत है, है? खैर ये सब छोड़ और जरा अकल लगा कि उस कार को कैसे बचाएं। जी मेरे ख्याल से जयपुत्र को रेड हैंडेड पकड़ना होगा रंगे हाथों, बहू को भी नहीं पता चलना चाहिए। जय के सर पे से इस लड़की का भूत उतरना होगा और उसको सबक देना होगा। सबक तो पापा ने भी खूब सिखाया, हमारा विश्वास तोड़ दिया। लो आ गए हैं
हाथों से कान बचकर निकलता है। तहकीकात शुरू। एक्सक्यूज मी मैम, मे आई हेल्प यू? हेल्प हेल्प फाइन जे आनंद सी। ही इज नॉट इन टुडे मैम। नॉट इन? गोइंग आउट? आज वो ऑफिस नहीं आए, आज उन्होंने लीव लिया है। शायद कल ही आएंगे। उनके लिए कुछ मैसेज लिखो। अरे मैसेज की ऐसी की दो चार गालियां लिख दीजिए उसके नाम। चल चल चल, चल। अरे सारी प्लानिंग चौपट हो गई। बंठन के निकले थे जासूसी भेस में। अरे कोई गल नहीं, वैसे जासूसी कोई बच्चों का खेल है, है? ऐसी अड़चने तो आती रहती है, कल फिर निकलेंगे उसके पीछे। लेकिन अब के ऐसा हमको भेस बदलना होगा कि हमें कोई ना पहचाने कि हम जासूस हैं। क्या दिला गए? चाइनीज नहीं, मुगली नहीं, कॉन्टिनेंटल के नाम पे लालू से मांग। अरे आप लोग भगवान के लिए, इसके बच्चे के दूध के लिए थोड़ा दे 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 गरीब की दुआ लगेगी बेटा, दे दे। चलिए जाइए जाइए यहाँ से। ए मासूम की सूरत देख, अरे अपने बच्चों का सबका दे 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 दे। देखो जाओ, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ओके जाओ। तुम क्या देख रहे हो? इन्हें देखकर मुझे मेरे माँ बाप की याद आ रही थी। पापा, कुछ तो याद आया, मुझे पहचानो, मैं आपका बेटा हूँ। तुम्हारे माँ बाप ऐसे थे? वो तो बहुत अच्छे हैं। हैं? थे, आई मीन अब वो कहाँ रहे? देखो पुराने दुखों को भूल जाओ। हाँ अब मैं हूँ ना साथ में तुम्हारे। अरे यही तो सबसे बड़ा दुख है पापा। चलो लेट्स गो। भगवान के सबके पे कुछ दे दे। उसे भाभी ना, उसे ना। भाभी भाभी, अरे भाभी। भगवान के दान पे। अरे भाभी। अरे सबका देखे जा रहा। अरे देते हैं। भगवान के नाम पे दया करो, सुधर जाओ पापा। जय, हम शादी कब करेंगे? मैडम शादी कोई छोटी सी बात तो है नहीं, हमारी शादी होगी स्टाइल में और उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए मुझे। वैसे भी जल्दी किस बात की? Oh, Jay, you so sweet. लेकिन जल्दी तो मुझे है तुम्हारे साथ रहने के लिए। I just can't wait for the day. क्या अब भिखारी समझा हमको? अब भिखारी नहीं है, समझा? स्पेयर पार्ट का बिजनेस है, खरीद लूंगा। ए उठ तू, उठ। क्या पराई औरत के साथ यहाँ बैठा हुआ है? डैडी आप इधर। हाँ मैं इधर, रंगे हाथ से पकड़ लिया ना। अब क्या कहना है बोल। डैडी लेकिन तुमने कहा तुम्हारे माँ बाप बचपन तेरे बचपन में बेहया बेशरम हमको मुर्दा बदल दिए। अरे हम जिंदा है इसके माँ बाप। लेकिन इसने तो कहा था कि। अरे ये तो बचपन का ही झूठा है। अरे तेरी जबान नहीं जल गई अपने जिंदा माँ बाप को मुर्दा बताते हुए? घर में इस कदर खूबसूरत बीवी छोड़कर यहाँ बैठा इस बेहया के साथ। बीवी? हाँ बीवी, शादी हो गई है इसकी, ये इसका पुत्र है और ये मेरा बाप है। जरा देखो इसकी हरकतें। अरे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? उठ बेहया। चल उठ भी जा, दादी के इरादे ठीक नहीं लग रहे। नीरम तुम यही ठहरो प्लीज। ओए कुछ तो शर्म खा, रोक रहे हो उसे। डैडी डैडी आप लोग जाइए, वापस जाइए प्लीज। मैं इसे मिलता हूँ अपनी मर्जी से। अरे मर्जी से मिलता है, चल घर, मैं बताती हूँ तेरी मर्जी। मम्मी मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मेरी निजी जिंदगी में आप लोग दखल अंदाजी ना करें प्लीज। निजी जिंदगी? अच्छा और तेरे बीवी बच्चे भी तो निजी जिंदगी में, उनका क्या? वो मामला भी मेरा है, आप लोग जाइए जाइए प्लीज। और हाँ अमृता को बताने की कोई जरूरत नहीं। क्या? अब आप लोग घर जाइए प्लीज और नहाकर इंसानों जैसे कपड़े पहन लीजिए, काफी तमाशा कर चुके हैं आप लोग। वाह पापा, तमाशा तो आप कर चुके हैं। चल। अब हम भला कर ही क्या सकते हैं, माँ बाप होने के नाते हमसे जितना बन सका हमने किया, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब हमारी औलाद ही हमसे कहे कि आप हमारे निजी मामलों में दखल अंदाजी ना करो तो फिर। निजी मामला? और जी जय को हो क्या गया है? उधर उस मासूम बहू को तो कुछ पता ही नहीं, लेकिन इसमें कसूर जय का भी नहीं है। फिर किसकी है? मर्द साथ की। और जी मर्द से उम्मीद भी क्या रखी जा सकती है, जहां फल देखा मार ली चोंच। ये भी नहीं सोचते कि घर में बीवी है बच्चे हैं, जहां किसी आवारा लड़की ने हंस कर दांत दिखाए तो चले उसके पीछे दुम हिलाते हुए। मुझे तो यकीन नहीं आता कि हमारा जयपुत्र। ओ जी आप भी चुप करें, आप भी तो वही है ना मर्द। तू तो मर्द मर्द ऐसे कह रही है जैसे मर्द कोई गाली हो। भाई जय ने गलती की है
लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि सारे मर्द के जैसे हो गए। ठीक है, आप मुझे एक बात बताएं, अगर यही सब कुछ एक औरत करे तो आप और दुनिया वाले क्या कहेंगे? आवारा, बदचलन, बेशरम, बेहया। और अगर जब ये मर्द करे तो मर्द को क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे? पता नहीं संता, तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रही है? मैंने क्या किया है? आपको मर्द होने की क्या जरूरत थी? तू तो बड़ी बहकी बहकी बातें कर रही है, तेरा स्पेयर पार्ट जरूर चला गया है, तू आराम कर। चल आराम कर, मैंने भी तय कर लिया है अपने पुत्र की जिंदगी मैंने हराम करनी है। ओए क्या हुआ? एक आइडिया आ गया। ये तरह खाना खाओगे या आज भी भूख नहीं है? नहीं, खा कर आया हूँ। जय, अगर तुम्हें बाहर खाना खाना है तो घर पर एक फोन कर देते। भूल गया यार। भूल गए? जे कैसे भूल सकते हो? मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा काम जरूरी है, लेकिन हम लोग जो घर पर तुम्हारा इंतजार करते हैं उनकी कोई अहमियत नहीं। कैसी बेतुकी बातें कर रही हो अमृता, मैं बहुत थका हुआ हूँ। आई एम आउट ऑफ दिस। तुम्हें लड़ने का मूड है तो तुम किसी और को ढूंढ लो लड़ने के लिए। हाँ, जैसे आपने किसी और को ढूंढा हुआ है। फाइन, मेरी बातें जब तुम्हें सुननी नहीं है तो मेरे बोलने का फायदा क्या हुआ? मैं किसी और को ढूंढ लूंगी अपनी बातें सुनाने के लिए। कहाँ जा रही हो? देव के लिए दूध लाने। मुझे अब भी उसकी चिंता है। मैं तुम्हारी तरह सेल्फिश और इनकंसिडरेट नहीं हूं। क्या हो गया है तुम्हारी मम्मी को? मैं घर में थका मांदा आता हूं तो 10-10 शिकायतें सुनने पड़ती है। सबके सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, एक तरफ डैडी मम्मी और एक तरफ तुम्हारी मम्मी। ये लो। ये क्या है? डियरेस्ट अमृता, अब ये दूरी सही नहीं जाती मुझसे। तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारा शर्माना, तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें, बहुत मिस करता हूँ तुम्हें अमृता। मुझे पता है कि तुम्हारा मुझसे मिलना आसान नहीं, लेकिन फिर भी जी चाहता है कि दौड़ के तुम्हें अपनी बाहों में समेट लूँ, उन सबसे छीन कर दूर कहीं ले जाऊँ तुम्हें, जहाँ बस हम हो। तो फिर कल मिल रही हो, तुम्हारा दीवाना आशिक। ये कैसे हो सकता है? वैसे ही जैसे हुआ है पापा। अमृता, मेरे ख्याल से हमें कुछ बातें करनी चाहिए। मेरे ख्याल से तुम्हें किसी और को ढूंढ लेना चाहिए अपनी बातें सुनाने के लिए, ओके? लड़ने से क्या फायदा है? एक मिनट, ये सही नहीं है कि जब तुम्हारी मर्जी हो तभी हमें बातें करनी है। इट्स नॉट फेयर एट ऑल। तुम सब सही कह रही हो, लेकिन सो इट्स सेटल्ड देन। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे तंग मत करना और देव को दूध पिला देना, मुझे कल जल्दी उठना है। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। मेरी प्यारी प्यारी अमृता, तुम कहीं मुझसे रूठी तो नहीं हो? इन फूलों को देखो, इनकी महक तुम्हें बताएगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अगर मैंने तुम्हें किसी तरह नाराज किया हो तो समझ लो कि मैंने वो जानबूझकर नहीं किया। लव यू जय। कितने खूबसूरत फूल हैं, देखूं तो? देख लो, तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाउ नाइस। खुश हो? किस लीजिए, ये देखकर तुम और खुश हो जाओगे। हाउ स्वीट। तुम तो सचमुच खुश हो रही हो। थैंक यू जय, थैंक यू सो मच। जय पुत्र, आज तो वड्डी जल्दी आ गया घर। क्यों, अपने घर जल्दी नहीं आ सकता मैं? क्यों नहीं आ सकता पुत्र, है कोई बड़ी बात नहीं है, तेरा ही कार है। तेरी मम्मी तो इस बात पे हैरान हो रही है कि तेरी वो रात रात वाली मीटिंग नहीं हुई। मैंने मीटिंग कैंसिल कर दी। अरे रे रे, तूने ऐसा क्यों किया पुत्र? अब उसका क्या होगा, वो तो तेरी याद में शाम भर तड़पेगी। आप लोग ताने मारना बंद करेंगे? वैसे ही मैं बहुत परेशान हूँ। और अमृता कहाँ है? वो तो पुत्र कहीं निकली हुई है। क्या, कहाँ? वो पुत्र, हाँ हमें तो नहीं पता वो कहाँ जाती है। जाती है यानी कि अमृता रोज कहीं जाती है शाम को? नहीं नहीं पुत्र, रोज नहीं। अब देख, तू तो इतनी देर देर से घर आता है, वो भी बैठे बैठे बोर हो जाती है, निकल पड़ती है अपने दोस्तों से मिलने के लिए। ओ शिट, मतलब कि वो उसी से मिलने चली गई है। किसे? तुझे पता है वो किसके पास गई? दीवाना आशिक से।
दीवाना आशिक। और जी ये कैसा नाम है? ये तो फिल्म का सा लग रहा है ना। आप लोग नहीं जानते, कोई और भी है अमृता की जिंदगी में। वो उसे प्रेम पत्र लिखता है, उससे मिलता है। आप लोग तो सिर्फ मुझे ही ताने मारते रहते हैं। अपनी लाडली बेचारी और लाचार बहू को क्यों कुछ नहीं कहते आप लोग? उल्टा चोर कोतवाल को दाते। किस मुंह से ये कह रहे आप पापा? पुत्र हमें तो ये सब पता ही नहीं था। और जी अगर पता भी होता तो हम क्या कर लेते? अच्छा मेरे पीछे जासूसी करते हैं, पब्लिक में चिल्लाते हैं, उसे रंगे हाथों पकड़ने का आइडिया क्यों नहीं आया आप लोगों को? ना पुत्र ना, भई ये तुम्हारा आपस का मामला है। अगर तू कोई गलत काम कर रहा है, हम तुझे कुछ नहीं कह सकते, तो उसे कैसे कह सकते? जब हम अपने बेटे को सही रास्ते पर नहीं ला सकते तो वो तो फिर किसी और की बेटी है ना। कोई बड़ी बात? अरे आज तुम घर पर हो? क्यों ये देखकर तुम खुश नहीं हो? ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ। इतनी सज धज कर किससे मिलने गई थी तुम? मेरी एक दोस्त है वीना, तुम नहीं जानते उसे? अच्छा तो उसका नाम वीना है। मैंने बताने के लिए फोन तो किया था लेकिन तुम थे ही नहीं। हाँ मैं किसी से मिलने गया था, मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो। हाँ तो कब फोन किया था? हेलो हेलो हेलो। हाय मिश्विजू, हाय मिश्विचाट, हाउ आर यू? हेलो। हाँ हाँ नहीं एक्चुअली रॉन्ग नंबर। दो बार ब्लैंक कॉल्स आए और देखो जब तुमने उठाया तो वो बात करने लगा। अजीब बात है ना? किसका फोन था? रॉन्ग नंबर था। सच कह रही हो? इसमें झूठ बोलने की क्या बात है? देखो अमृता सच कह दोगी तो आई कैन टेक इट। मैं इतना कमजोर नहीं हूँ जितना कि तुम समझती हो, सह सकता हूँ मैं। जय तुम अभी फोन कॉल की बात कर रहे हो ना? नहीं पापा अब शक की बातें कर रहे हो। अमृता क्यों छुपा रही हो? अब छुपाने से क्या फायदा? चलो बोलो, कम ऑन, टेल मी टेल मी टेल मी। जय तुम नहीं 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 तुम कुछ मत कहो, तुम्हारे मुंह से सुनना मेरे लिए मुश्किल होगा। जय क्या मुश्किल होगा? अमृता अमृता तुम यहाँ बैठो, वो सब छोड़ दो। अमृता आई प्रॉमिस मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मेरी गलती थी मैं मानता हूँ, मुझे इसकी सजा भी मिलनी चाहिए, मगर ये सजा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अमृता अमृता मुझे एक मौका दो, मैं सबको सही कर दूंगा। जय तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अमृता टॉपिक क्यों चेंज कर रही हो? मेरी तबीयत से ये सबका क्या लेना देना? तो फिर सबका किससे लेना देना है जय? अमृता अमृता जय ऐसा मत कहो। अमृता मेरी बात का यकीन करो, मैं आज से बिल्कुल बदल जाऊंगा, तुम मुझे पहचान भी नहीं पाओगी। वो तो कुछ कुछ दिख ही रहा है मुझे। अमृता मना मत करना, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज स्टॉप इट जय, क्या कर रहे हो तुम? अमृता इसे देखो। तो हमारा बेटा? तो वो सब छोड़ो, बस इसे देखो। इसे मैं रोज देखती हूँ जय, क्या कह रहे हो तुम? अमृता इस मासूम बच्चे की खातिर तुम मुझे माफ कर दो प्लीज प्लीज प्लीज। अमृता मुझे माफ कर दो। ओके 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 कर दिया कर दिया कर दिया। माफ कर दिया ना? हाँ। सच? हाँ। लेकिन अब तुम आराम से जाकर सो जाओगे। ओके चलो मैं अभी आती हूँ, एक मिनट। अमृता तुम्हारा दीवान आशिक सिर्फ मैं ही हो सकता हूँ, समझी? हाँ ओके। पापा अपनी बीवी के आशिक बने रहने में ही भलाई है। चलो सुबह का भूला शाम को वापस घर आया।